नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। महाराष्ट्र में पांचवी बार उप मुख्यमंत्री बनने के बाद अजित पवार का पहला सरकारी दौरा आज गढ़चिरौली में होगा। एक ही मंच पर अजित पवार, सीएम एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ वे नजर आएंगे। जम्मू कश्मीर के रामबन के कई इलाकों में भारी बारिश से खासी तबाही आई है। NH-44 के कई हिस्सों में भारी बारिश के साथ भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटनाएं हुई हैं। एहतियातन राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। गीतकार और संवाद लेखक मनोज मुंतशिर ने आखिरकार बिना शर्त हाथ जोड़कर माफी की अपील की है। फिल्म आदि पुरुष के रिलीज के बाद से मनोज के डायलॉग पर काफी विवाद हुआ था। मनोज मुंतशिर को कई वर्गों से आलोचना का शिकार भी होना पड़ा था। कर्नाटक में लगातार बारिश की वजह से खासी तबाही मची है। लगातार बारिश की वजह से 7 जुलाई तक दक्षिण कन्नड़ में 4 लोगों की मौत हो गई है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फेर बदल किया है। पार्टी ने छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपने नए चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बयान दिया है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में मंत्री बनने के चाह रखने वाले नेता अब दुखी हैं, क्योंकि यहां भीड़ बढ़ गई है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अब उन लोगों के सूटों का क्या होगा जो उन्होंने मंत्री बनने पर पहनने के लिए सिलवाए थे। महाराष्ट्र के सियासी खिंचतान के बाद अजित पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि NCP में कोई फूट नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेताओं ने सर्वसम्मति से अजित पवार को अपना नेता चुना है, वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो राज्यों के दौरे पर थे। पहले वे छत्तीसगढ़ गए और फिर उत्तर प्रदेश पहुंचे। पीएम मोदी जब यूपी के गोरखपुर पहुंचे तो वहां तेज बारिश हो रही थी। बावजूद इसके गोरखपुर के लोगों ने भारी बारिश में भीग कर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। संजय पुरन सिंह चौहान की फिल्म भातरपुरे को लेकर काफी चर्चाएं हो रही थी। माना जा रहा था कि ये फिल्म भी केरल स्टोरी की तरह अच्छा खासा बिजनेस करेगी। भातरपुरे में आतंकवाद की कहानी दिखाई गई है। फिल्म के नाम को लेकर काफी विवाद भी हुआ था। हालांकि अंदाज ये भी लगाया जा रहा था कि इस फिल्म को भी विवाद का फायदा पहुंच सकता है। BCCI सचिव जय शाह ने एपेक्स काउंसिल मीटिंग के बाद साफ कर दिया कि भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज वर्ल्ड कप से पहले नहीं खेली जाए। ये थी आज की टॉप 10 खबरें। खबरों का सिलसिला NBC न्यूज पर ही लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ NBC न्यूज पर। नमस्कार।